हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ये सब्जेक्ट है, उसको लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको आपका सहयोग रहा तो बहुत ही जल्दी ये पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। एक देखिए, दो पार्टों में बना है। एक तो वाटर, पहला नंबर तो वाटर, ठीक है, फिर सप्लाई। वाटर है तो वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो उसका यूज कर सकें। अब सप्लाई कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो यूज करते हैं, फिर बाद में वो वेस्ट हो जाता है। अब जब वेस्ट होता है तो फिर बाद में उसको सैनिटरी सैनिटरी इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, उस जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट करके और रिवर में एफ्लुएंट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम शैलेंद्र प्रजापति है और ये चैनल का नाम भी शैलेंद्र प्रजापति है। हैंड रिटन PDF फाइल भी अगर किसी को ज़रूरत है तो ये नंबर जो है, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, वो उनको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, ये सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ये आपका जो है सब्जेक्ट का नाम है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसमें हम सिलेबस पहले तो बता दूँ कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। सबसे पहले नंबर तो उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन में टोटल ओवरव्यू आपको दिया जाता है कि एक्चुअली हम पूरे पूरा ऑल ओवर जो भी पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन में सब कुछ पता चल जाता है। हालांकि ये जो जो भी हम पढ़ने वाले हैं नीचे दिया ही है, जैसे कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अब लोगों तक पहुँचेगा तो ट्रीटेड वाटर पहुँचेगा, ख़राब वाटर तो लोग पियेंगे नहीं ना, तो वाटर ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। फिर कन्वेंस ऑफ वाटर, कन्वेंस ऑफ वाटर मतलब वाटर को किस तरीके से, किस मेथड से हम लोगों तक पहुँचाएंगे। फिर वॉल्स एंड फिटिंग, वॉल्स की और फिटिंग की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम ये सप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेजमेंट कर सकें, वो है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई मेन्स, ठीक है, जो आप वाटर सप्लाई कर रहे हो उसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। फिर सैनिटेशन ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, फिर उसके बाद से ड्रेन्स एंड सीवियर सिस्टम। फिर 8 चैप्टर में जाओगे तो सीवेज डिस्पोजल के बारे में पढ़ोगे कि सीवेज डिस्पोजल है क्या, उससे रिलेटेड। फिर बाद में हाउस प्लम्बिंग, जो घरों में प्लम्बिंग होती है उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्या कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 11 देखोगे तो मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो सीवेज सिस्टम है उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए उसके बारे में। और 12 नंबर अगर आप देखेंगे, लास्ट बोलेंगे रिसाइकिलिंग ऑफ वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट, जो आपका वेस्ट वाटर है या सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे रिसाइकल कर सके हैं, रिसाइकल मतलब फिर से यूज में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि पहला चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, तो ताकि हमें आइडिया मिल सके। तो पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है, जो ओवरव्यू देता है कि टोटल ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी है, तो ये उसके ओवरव्यू देता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो जाने कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, कैटेगराइज हो सके कि क्या है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, मतलब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और सैनिटरी इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस जो होता है उसी को बोला जाता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में दोनों ही आ जाता है, कि वाटर सप्लाई वाला सिस्टम भी और सैनिटरी वाला सिस्टम भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आ जाता है। मतलब ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ही सीखने को मिल जाएंगे।
लेकिन हम सेपरेट सेपरेट सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अंडर में किसके आता है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो इन दोनों पॉइंटों के बेस पर आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर बोला भी है, इट डील्स विद द जनरल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जनरली हेल्थ उसका और लोगों की वेल बीइंग, उनकी देख रेख, उनका केयरिंग, सब कुछ आ जाता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो है, इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि जो वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, पहला नंबर तो सिंपल सा है कि वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर का सोर्सेस भी चाहिए। सब कुछ जुड़ा हुआ है, लिंक बनाकर देखोगे तो आपको सब कुछ आइडिया मिलेगा कि पहला नंबर तो वाटर चाहिए, वाटर रहेगा तो उसके बेस पर ही तो हम उसको ट्रीटेड करके लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वाटर सोर्सेस देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेस, वो सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको वन बाय वन अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर है तो इसके अंडर में वाटर सप्लाई भी आता है और इसके अंडर में सैनिटरी इंजीनियरिंग भी आता है, ठीक है? अब वाटर सप्लाई में क्या वर्क होता है देख लेते हैं, वाटर सप्लाई में क्या वर्क है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग टेक केयर ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द यूजर्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। मतलब जो डोमेस्टिक यूज है, जो इंडस्ट्रियल यूज है, उस पर्पज को हमें ध्यान में रख के वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसा वाटर? गुड क्वालिटी वाटर, जो जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट है वैसा वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में होती है, जैसे कि इट इज़ कंसर्न विद द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इट इज़ कंसर्न विद द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर है उसका प्योरिफिकेशन भी करना इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब इसका किस तरीके से, कौन से नेटवर्क के थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि लोगों तक पहुँचे और वेस्टेज ना हो और एज ए इकोनॉमिकली हो, मेरा कम खर्चे में लोगों तक ये प्योर वाटर, अच्छा वाटर, यूजेबल वाटर, पोटेबल वाटर पहुंच सके, ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के हाथ में होता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहुंचाना ही उनका काम है, वाटर कहाँ से मिलेगा, सोर्सेस देखोगे कि कौन कहाँ कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके थ्रू वाटर मिल सकता है। अब वाटर मिला तो वो वाटर कैसा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वाटर बेटर है या नहीं है, वाटर की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जब ये नॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद अब वाटर को ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें कि अगर ख़राब वाटर है तो उसको ट्रीटमेंट के मेथड भी अलग अलग हैं, वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास सोर्सेस ऑफ वाटर इतना है और लोग पॉपुलेशन कितनी है और फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, तो वो सारा पॉपुलेशंस को काउंटिंग किया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन है, अगर कोई सिटी या टाउन है वहाँ पर मुझे ये पहुँचाना है वाटर, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो भी फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगर भेजना है तो कैसे भेजना है, कन्वे तो करना है ना वाटर को, जहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट किया वहाँ से वो लोगों तक तो पहुँचाना है, लोगों के घरों तक पहुँचाना है, तो किस मेथड से आप पहुँचाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, फिर उसके बाद से अगर पहुँचा रहे हो तो बाय ग्रेविटी पहुँचा रहे हो या बाय पंप के द्वारा पहुँचा रहे हो, मतलब प्रेशर दे के पहुँचाया जाए या तो बाय ग्रेविटी के द्वारा पहुँचाया जाए, तो वो सारा कुछ सब कुछ बेस होता है कि आपका इकोनॉमिकली फंड कितना है, आपके पास फंडिंग कितनी है, उसके बेस पर ही ये सब कुछ डिजाइनिंग करके और लोगों तक वाटर पहुंचाना, मतलब जहां पर वाटर है वहां सर लेक है, मतलब नेचुरली वाटर जहां पर है वहां से लेकर और लोगों के घर तक पहुंचाने का, लोगों के घरों तक या फैक्ट्री में या जहां जहां रिक्वायरमेंट है वाटर का वहां वहां पहुंचाने तक के रास्ते जो कुछ भी करने होते हैं वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में करने होते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो सैनिटरी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि सैनिटरी इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सैनिटरी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं। अब लोगों तक पहुँच तो गया वाटर, अब उसका यूज़ किए वो वाटर को, उसके बाद से वेस्टेज हुआ, बहुत सारे वाटर वेस्टेज हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज के बाद जो वेस्टेज हुआ या डोमेस्टिक पर्पज़ यूज के बाद जो वेस्ट हुआ वो सैनिटरी वाटर हो गया। अब उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बाय ड्रेनेज की तरह, ड्रेनेज के थ्रू उसको ट्रीटेड करके और एफ्लुएंट करना, ये सारा कुछ उसमें अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टडी करना कि उसकी उसकी वजह से अगर मैं रिवर में फ्लो करा दूं तो रिवर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो वाटर है वो ख़राब ना हो। तो इन सभी बातों को कौन ध्यान में रखता है? सैनिटरी इंजीनियरिंग ध्यान रखता है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या पॉइंट है। इट डील्स विद द प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज, ये सब डिसीजेज ना हो इनको रोकने के लिए जो भी इंतजाम किए जाते हैं वो सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। और आगे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक कलेक्शन, कन्वेयंस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर सो डैट पब्लिक हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑफेंस एंड इंजेनियस सब्सटेंस। मतलब ये इसके एक प्रकार का साइंटिफिक कलेक्शन भी है, जिस प्रकार से ट्रीटेड करते हैं वाटर को और इसका डिस्पोजल करेंगे वेस्ट मैटर में, कि ताकि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्टेड रह सके, किससे? एक तो ऑफेंस से और दूसरा इंजीरियस मतलब जो नुकसान देने वाले सब्सटेंस है उनसे प्रोटेक्ट कर सके। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह के आइडिया मिलेगा, यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है, ये मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको कैटेगराइज हो सके कि देखो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंडर में ये दोनों आते हैं, एक तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, एक सैनिटरी इंजीनियरिंग। अब वाटर सप्लाई के अंडर में क्या क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे, ये इसीलिए मैं ये लिख के रखा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो वाटर सप्लाई के अंडर में देखोगे तो आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर, पहले नंबर तो वाटर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, कितनी वाटर की क्वांटिटी है ये जानना, पता करना कि किस लेवल पे वाटर की क्वांटिटी है, कैसा है वो जानना, वो इसके इंक्लूडेड हो जाता है, इंक्लूडेड इसमें आ जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर कि वाटर की क्वालिटी की जो भी वाटर हमारा है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। फिर बाद में वाटर की क्वालिटी पता चल गया, फिजिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें पता चल गया आपको, तो उसको ट्रीट करेंगे, वो वाटर को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। फिर बाद में वो वाटर को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे, कन्वे करें मतलब भेजेंगे। फिर बाद में वॉल्स और फिटिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो जाना चाहिए कि ठीक है कि वॉल्स क्या होता है, फिटिंग क्या, किस प्रकार से फिटिंग करते हैं, ये सब भी इसके डिपार्टमेंट में आ जाता है। फिर बाद में मेंटेनेंस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे या फैक्ट्री में पहुंचाएंगे तो उसका मेंटेनेंस भी इसके ही अंडर में आ जाता है। तो ये आपको किसके अंडर में आ जाता है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। अब वो सैनिटरी इंजीनियरिंग में देखोगे तो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो सैनिटरी इंजीनियरिंग में देखोगे तो कलेक्शन ऑफ सीवेज आ जाता है, कलेक्शन ऑफ सीवेज जो जो भी मतलब सीवेज है सैनिटरी है वो, उसका कलेक्शन किस तरीके से कलेक्ट करोगे, कहाँ पे कलेक्ट करोगे, फिर उसको भेजोगे कैसे वहाँ पे सीवेज में, सीवेज प्लांट में कैसे भेजोगे, फिर बाद में सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये सारा कुछ सैनिटरी में आ जाएगा। फिर सीवेज को डिस्पोजल कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे, फिर बाद में उस सीवेज सिस्टम का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखनी है और सैनिटरी इंजीनियरिंग। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये सब कुछ किसके अंडर में आते हैं, एनवायरमेंट के अंदर में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर में टोटल, ये तो अभी सिर्फ वाटर से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ वाटर से रिलेटेड देख रहे हैं, एनवायरमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड भी देखते हैं, फिर उसके बाद से लैंड पॉल्यूशन भी आ जाता है, एयर पॉल्यूशन भी आ जाता है और ये वाटर पॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग,
और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में यही सारे कुछ हम पूरे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बस ध्यान लगा के इसमें लगे रहिए, मैं वन बाय वन करके आपको सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, छोटे छोटे वीडियोस देख के और आप आसानी से समझ में आपको आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर भी पाओ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं तो एक ही राय दूंगा आप लोग से, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करिए, और साथ में एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इस तरीके का बेल आइकन होगा, तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा कि ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको जैसे ही अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। इसके आगे का आगे के पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आऊँगा कि ताकि आपके लिए आसान हो सके और आप उसको अपने लिए बेस्ट बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।